बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरथराम लोलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, जब से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश के जनता के समक्ष सौंपी, उसके बाद बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को काफी एक तरीके से उम्मीद के साथ लिया। और यही वजह रही कि चार बार तक जो मुख्यमंत्री पद का खिताब है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के सिर पर रहा। इसके अलावा भी कई बार बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक तरीके से अलग छाप है वो बनाई, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बहुजन समाज पार्टी की एक अलग छाप बनी है, जिसके पीछे बहुजन समाज का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन 2017 के अंदर सहारनपुर के अंदर हुई एक हिंसा के बाद भीम आर्मी का नाम सुर्खियों में आया, और 21 मई को 2017 के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के अंदर एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश भर के अंदर सुर्खियों में आए थे। उस समय काफ़ी संख्या के अंदर युवा वर्ग के लोग जो है दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे, और उस स्थान के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को रासुका लगाकर वो जेल भेज दिया गया था। उसकी बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद अब एक उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी नई राजनीतिक पार्टी लेकर उतर चुके। जिला पंचायत के चुनाव के अंदर भी उनकी पार्टी ने खाता खोलने का काम किया, आज़ाद समाज पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी निर्मित की है, और इस पार्टी के सामने आने के बाद तरह तरह के कयास अलग अलग लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आरोप यह भी है कि वो बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से खड़े किए जाते हैं और उनकी तरफ से उनको पैसे फंड है वो मुहैया करवाया जाता है। साथ ही उनके ऊपर आरोप यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए 21 तारीख को सामने आए। 21 मई को कल देर रात चंद्रशेखर आज़ाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर, जो भीम आर्मी का आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट है, उसके ऊपर आए, और उसके ऊपर आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम देखने की कोशिश करें तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर काफ़ी गंभीर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2007 के बाद हमारी पार्टी की जो हालात हुई है बहुजन समाज पार्टी की, उसके लिए भीम आर्मी कहाँ तक जिम्मेदार है, भीम आर्मी तो अब बनी है, उस समय कैसे, तो क्या कुछ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा आप उनके खुद के मुँह से सुनिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को भी शिकायत शिकवा हो सकती है। हम अपने काम से जवाब देंगे, बोलने से नहीं, अपने काम को करके और रिजल्ट देके जवाब देंगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, 2012 में आप लोग उत्तर प्रदेश में किसके वजह से डाउन हुए? आप 2014 में जीरो सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती वो किसकी वजह से, और वो कहां कहां जीती आप ये भी चेक कर लीजिए। और वर्तमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भीम आर्मी के लोगों का, इससे पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग हैं, इनके साथ लोग नहीं है, जमीनी कार्य नहीं है, लेकिन जब अब भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने साबित किया कि वो भविष्य को उज्ज्वल बना के दिखाएंगे और सपनों को पूरा करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब चाहते थे, तो आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राह में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे तो वो करेंगे, तो आप आइए ना, सामना कीजिए, आज क्या दिक्कत आ रही है।